जब मैं उठा तो बाहर आकर देखा, मेरे को एक चीज़ को देखकर काफ़ी खुशी लगी गाइज, वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो फाइनल गाइज ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो और उसके बाद यहाँ पर एक था जो कि गिर गया था। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, यार कैसे सब लोग, आई होप कि सभी लोगों के एकदम बढ़िया। मैं भी यहाँ पर एकदम मस्त। और अभी टाइम हुआ है सुबह के नहीं दोपहर के 12:30 बजे का, और अभी से एक घंटा पहले मैं उठाऊँ। मेरी जो सोने की टाइमिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकी यार अब जाकर यहाँ पर धूप लगी, जहाँ पर मेरा रूम है, जो दूसरा वाला रूम है वहाँ पर अब जाकर धूप लगी। और ये कौन सी जगह है गाइज, पीछे अगर आप लोग पहचान पा रहे होगे तो ये वही वाली जगह है जहाँ पर पहले, बहुत पहले भी मेरा रूम हुआ करता था। और अब दोबारा से यहीं पर तो क्या इसके आसपास ही रूम ले लिया, पहले मेरा वहाँ पीछे जो ये वाली बिल्डिंग है आप लोग को पिंक कलर की जो दिख रही है उसमें हुआ करता था, लेकिन अब इस वाली में जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ। बाकी यार ये वो सब तो बातें तो बाद में होती रहेगी। मेरे को आज सुबह देखकर, मतलब सुबह जब मैं उठा, सुबह तो क्या अभी से एक घंटा पहले जब मैं उठा तो बाहर आकर देखा, मेरे को एक चीज़ को देखकर काफ़ी खुशी लगी गाइज, वो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ और सामने पे ये चेक कर यार गाइज, बर्फ़ इस साल की पहली बर्फ़ जो है अब देखने को मिल गई है काफ़ी टाइम बाद। और ये नॉर्थधार के भी, मतलब नॉर्थधार वहाँ पर ही, नॉर्थधार से भी ऊपर बर्फ़ है काफ़ी ज़्यादा ऊपर, और इस वाले साइड पर भी हल्की हल्की सी है। और ऊपर गुदकधार में तो भी बर्फ़ नहीं पड़ी है, नहीं तो मैं चला जाता हूँ वहाँ पर। जो ऊपर हाइट पर जो एक पहाड़ दिखता था, मैंने दिखाया कुछ वीडियोस में, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। तो वहाँ पर देखकर, दूर से देखने का क्या ही फ़ायदा गाइस, बर्फ़ में अगर जब तक चले ना और जब तक मतलब खुरा फाते ना करे तब तक मज़ा नहीं आता। तो जब बर्फ़ थोड़ी नीचे आ जाएगी, मतलब गुदकधार के आसपास, तब मैं ऊपर जाऊँगा और दिखाऊँगा आप लोग को कि इस टाइप की बर्फ़ गिरी। अभी तो है नहीं उतनी कुछ खास, लेकिन जितनी भी गाइस इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बर्फ़ यार इस साल की पहली बर्फ़ है। और अभी मैं डेट आपको बता दूँ तो आज शायद से 14 जैन है, तो अब जाकर बर्फ़ पड़ी है, जबकि अब तक जो बर्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा बार पड़ चुकी होती है, लेकिन अभी फर्स्ट बार अब पड़ी है बर्फ़। ये रोड गाइस अगर आप लोग को याद होगा, मेरे पुराने व्यूअर को तो शायद से याद होगा, लेकिन ये वही रोड है जो कभी भी ठीक नहीं होती, हमेशा ख़राब होती है, और पानी के साथ तो ख़त्म सीन हो जाते पूरे। लेकिन उस दिन से, मतलब उस टाइम वहाँ पर रूम था, उस दिन अभी तक यहाँ पर बदलाव क्या क्या हुआ कि ये उस टाइम था लेकिन गिर गया था, अभी दोबारा से इसको खड़ा किया है डंगे को। और उसके बाद यहाँ पर एक था जो कि गिर गया था, ये पत्थर आप लोग चेक कर पा रहे हो, तो इसको वैसे ही रहने दिया है। हमारे यहाँ पर बस डंगे थे, अभी पिलर वगैरह दे दिया है पूरे, तो बाकी का काम करेंगे गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी कोई काम करने का फ़ायदा नहीं होता है, ठंड में तो वैसे भी मर जाते हैं और दिन छोटे छोटे होता है। क्या यार यहाँ से चारों तरफ का व्यू एक बार चेक करें आप लोग तो, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि पता नहीं कब देखा था मैंने भी लास्ट टाइम। बाकी यार अभी मैं आया तो धूप सेकने, धूप तो अब जा रही है, और मैं हूँ घर पर अकेला, क्योंकि जो मम्मी और बहनें हैं वो गई है मेहमान और पापा गए हैं दुकान, तो मैं अकेला ही हूँ रूम में। तो सोचा कि थोड़ा वीडियो बनाता चलूँ, क्योंकि यार साल की पहली बर्फ़ है यार, मतलब देखकर अच्छा सा लग रहा है। तो अभी चलता हूँ मैं भी नीचे, क्योंकि धूप अभी लग तो रही है लेकिन पता नहीं क्यों पर जा रही है, लग रही है, जा रही है, लग रही है, इसका सेकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अभी चलता हूँ मैं भी नीचे रूम की तरफ में। A few moments later. तो गैस मैं उस टाइम पर आ गया था धूप से नीचे, क्योंकि धूप चली जा रही थी, मतलब ऐसी थी धूप, थोड़ी सी आ रही थी जा रही थी। अभी हूँ मैं रूम में, और रूम में जब भी मैं फ्री बैठता हूँ, तो मैंने आप लोग को शायद से पहले भी बताया मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठता, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। गैस यहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ था और ये बना रहा था, ये अभी कम्प्लीट तो नहीं हुआ है, और पिछले कर मैंने ये बनाया, ये भी कम्प्लीट अभी नहीं है, ये मैं बनाता रहता हूँ जब भी मैं फ्री बैठता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइट रखी है ताकि यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिखे। और मिलाता हूँ एक पुराने सदस्य थे, अगर याद होगा आप लोगों, तो यही है वो स्पीकर जो मेरे पास काफ़ी टाइम पहले से, अभी फ़िलहाल इसके हालत ठीक नहीं है, इसका जो चार्जिंग जैक था वो ख़राब हो गया, तो अभी वो तो ठीक नहीं हुआ, मैंने काफ़ी कोशिश की उसको ठीक करने की, तो अभी इसको डायरेक्ट ही मैंने कर दिया है बिना चार्जिंग के, सीधा चार्जिंग में डालकर अभी चलता है। तो अब इसी में मैं गाने वगैरह सुन रहा था और बना रहा था अपनी ड्राइंग्स वगैरह, ये जो मैं हमेशा से बनाता रहता हूँ जब भी मैं फ्री बैठता हूँ, तो इसलिए। बाकी अभी बाहर धूप लगी है, देखता हूँ थोड़ी देर में सेकने जाऊँगा बाहर, नहीं तो वैसे तो ये 5 मिनट की धूप है फिर चली जाएगी, उसमें कोई सेकने का मजा भी, ये देखो चली गई गैस, ऐसी धूप है कभी आती है जाती है तो मज़ा नहीं आता ऐसे को। 2000 years later. फाइनली गैस अभी जो मैं बना रहा था वो बनकर कंप्लीट हो चुका है, और दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो फाइनल गैस ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो बताना है कमेंट करके कैसा बना है। वैसे काफ़ी मेहनत तो नहीं की है, लेकिन जितनी भी किए गए मेरे को तो सही लगा, बाकी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कैसा लग रहा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, धूप भी काफ़ी ज़्यादा देर से लगी हुई है मस्त वाली, तो चलता हूँ अभी मैं भी बाहर धूप सेकने, क्योंकि अंदर ही अंदर सुबह से लेकर मैं यहीं पर था, क्योंकि धूप तो बाहर थी नहीं, अब जाकर धूप लगी है तो मस्त वाली धूप लगी, चलता हूँ मैं अभी और सेकता हूँ धूप।
काफ़ी टाइम के बाद गैज उसी जगह पर वापस, जहाँ पर मैं पहले वीडियोस बनाया करता था। पीछे अगर आप लोग को ये वाली जो यू टर्न है याद होगा तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाया करता था, और आज मैं फिर से यहीं पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ उसी जगह पर। ये मेरे पीछे उल्टा उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। अभी सामने से काफ़ी सुंदर धूप लग रही है तो मैं इसी को सेकने ऊपर आया था, आगे आया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि वहीं पर चल पड़ता हूँ जहाँ पर मैं पहले वीडियोस बनाया करता था। जब भी मैं अपनी वीडियोस की शुरुआत करता था तो इसी जगह से, मतलब ये पीछे वाला मोड़ अगर आप लोग को याद होगा तो इसी मोड़ से मैं शुरुआत करता था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह थी ये वाली, इसलिए मैं यहीं से बनाता था। पर वीडियो बनाने का मेन रीज़न क्या था गाइस, यहाँ पर जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है सामने से आती है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। मतलब मेरे को व्यू नहीं, मतलब आप लोग को देखने को सही से मिलता होगा। लाइट अच्छी आती है वीडियो में इस साइड को, अगर मैं ऐसे करके जिस साइड को अभी धूप लग रही है, इस वाली साइड हमेशा इसी वाली साइड से धूप लगती है, इसलिए यहाँ पर सही रहता है वीडियो बनाना। और एक और चीज़ की यहाँ से गाड़ी आएगी या यहाँ से आएगी, मैं दोनों तरफ का ध्यान रख सकता हूँ कि किस वाली साइड से गाड़ी आई, ताकि मैं अपना भी थोड़ा सा ध्यान रख सकूँ इधर उधर से गाड़ी वगैरह आए तो। इसलिए बाकी यार एक चीज़ है कि अगर गलती से भी बर्फ़ हो गई तो ये जो पीछे आप लोग गाय देख रहे हो ना, इस टाइप की काफ़ी सारी गायें लावारिस पड़ी हुई है गाइस, तो ये पूरी जो है मर जाएगी क्योंकि ठंड में पूरी भयंकर वाला सीन हो जाएगा इनके साथ। अभी गाइस गाड़ी से इतने भयंकर वाले रिएक्शन मिले हैं ना देखने को, मतलब खुशी होती है कहीं कहीं पर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब घटिया सा रिस्पांस देते, वो लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देते, उनको देखकर काफ़ी खुशी लगती है गाइस। बाकी यार मैं इनके बारे में बात कर रहा था, अगर गलती से बर्फ़ हो गई ना कहीं तो ये पूरे दब जाएंगे बर्फ़ के नीचे और पूरे जो है ख़त्म हो जाएंगे गाइस इनका सीन। तो या तो इनको ऐसे तो इनके लिए बनाई है जगह, लेकिन इनको क्या पता यार अभी कहाँ जाना है आगे पर, एक पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पर गाय वगैरह रखते हैं उनके लिए सरकार ने कुछ बनाया है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर ये जाते नहीं हैं क्योंकि कोई ले जाता ही नहीं है इनको, और खुद से तो ये वैसे भी इनको पता नहीं होगा यार, जाहिर सी बात है पशु है ये तो। अबे साले काफ़ी टाइम बाद गाइस इस वाली साइड पर आऊँ और सबसे बड़ी चेंजिंग मेरे को देखने को मिले कि पेड़ ख़त्म, गाइस ख़त्म सीन कर दिया पेड़ों का। ये जो पीछे आप लोग जितना भी इलाका देख रहे हो ना, यहाँ पर कम से कम 6 से 10 पेड़ तो हो गए मेरे हिसाब से, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियोज़ में जाकर देख लेना है, वो अब नहीं है, पूरे ख़त्म कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ यार, ये सामने चेक करिए आप लोग, बर्फ़ पूरी ख़त्म हो गई है, बस वहाँ पर थोड़ी सी बची हुई है, बाकी तो बर्फ़ खलास, मतलब जितनी थी वो थोड़ी बहुत ही बची है, हल्की हल्की सी दिख रही है मेरे को ऊपर ऊपर, लेकिन वैसे अब ख़त्म हो गई है। कोई बात नहीं गाइस, ये तो बर्फ़ की शुरुआत थी, अभी आगे तो शायद होगी, नहीं भी होगी तो बर्फ़ दूर से देखने को तो इस बार नसीब हुई, वरना तो मेरे को नहीं लगा था कि बर्फ़ होगी। बाकी यार ऐसी थी आज की सारी वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो जो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दिया, और जिस जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड। Do not say, oh,